तो कल ही नोटिस आया है, यानी 16 मई को नोटिस आया है और आज है 17 मई, आज है संडे और कल था शनिवार, यानी शनिवार को नोटिस आया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन का कंट्रोलर है उनके ऑफिस से ऑफिस मेमो आया है। इस ऑफिस मेमो में यह लिखा हुआ है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरने थे इवन सेमेस्टर्स के लिए, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 31 मई तक, 31 मई तक वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या चीज? रजिस्ट्रेशन कम एग्जामिनेशन फॉर्म। तो दोस्तों ये जो पहले ऑफिस मेमो था डेटेड 27 अप्रैल का, इसको एक्सटेंड करके 31 मई कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी भी जो भी स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनका इवन सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं बिना लेट फी का 31 मई तक। उसके बाद भी ऑप्शन मिलेगा लेकिन आपको फीस देना पड़ेगा, लेट फीस देना पड़ेगा। ये है असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन का सिग्नेचर। और जो कैंडिडेट्स जामिया में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो जो नोटिस था वो स्टूडेंट पढ़ने वालों का था। जामिया में जो फॉर्म लास्ट डेट था उसको एक्सटेंड करके आप देख सकते हैं इसमें 15 जून तक कर दिया गया है, यानी 15 जून तक आप एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। पहले 31 मई तक का नोटिस था लेकिन इसको बढ़ा के 15 जून तक कर दिया गया है। यानी अगर आप जामिया में अभी भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज का करने के बाद आपको जॉब जल्दी से लग सकती है, जैसे ट्रेवल एंड टूरिज्म है, टीवी एंड फिल्म से रिलेटेड कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म बहुत सारे लैंग्वेज कोर्सेज हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सोशल साइंसेज के कोर्स है, लॉ के कोर्सेज हैं जो कि इंडिया में नंबर वन कोर्सेज माने जाते हैं, उसमें भी अगर आप नहीं अप्लाई किया है अभी तक तो जरूर, क्योंकि एक कोर्स में कोई गारंटी नहीं कि आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा जिसमें आपने अप्लाई किया है। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कट ऑफ कम जाता है, उसमें आप जरूर अपना एक साल मत गवाइएगा, आप ज्यादा से ज्यादा कोर्स के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। 15 जून से पहले आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन के लिए। और जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए बार बार सवाल पूछ रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि जो फ्रेश बैच स्टार्ट होगा वो 1 सितंबर से होगा, तो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा अगस्त में होगा। जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, उनका जो सेशन स्टार्ट होगा 1 अगस्त को होगा। और जो कैंडिडेट जैसे आप लोग एंट्रेंस टेस्ट देकर एडमिशन लेंगे, आप लोगों को जो क्लासेस स्टार्ट होगी 1 सितंबर से होगी फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो 15 जून से पहले अप्लाई कर लीजिएगा और आपकी जो टेस्ट होगा वो अगस्त में होगा। उसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो भी अगस्त में ही होगा, अगस्त में टेस्ट होगा और आपकी क्लासेस भी सितंबर से चलेगा। तो जो भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वो बेफिक्र हो जाए और अगस्त का टारगेट लेके चले कि आपके जितने भी टेस्ट होंगे एग्जाम्स होंगे वो अगस्त में होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे यूजफुल वीडियो आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।